पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसे में पार्टी की सियासी उठापटक पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है, सभी लोगों को अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार है, हम पूरे अनुशासन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी माना कि लोकसभा चुनाव के नतीजे हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं आए हैं, हमारी जो भी कमी रह गई थी हम उन पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम पद के बारे में भी खुलकर बात की और कहा कि मुख्यमंत्री को बदलने की चर्चा बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आखिर क्या चल रहा है, ये सवाल बीते कुछ दिनों से राजनीति गलियारों में गूंज रहा है। बयानबाजियां चल रही हैं और मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। इन सभी से सियासी माहौल काफी गर्मा गया है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस समय एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंच रहे हैं। यहीं पर उन्होंने मीडिया से बात की और सीएम बदलने समेत कई मुद्दों पर पार्टी की बात सामने रखी। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे वैसे नहीं आए जैसे हमने सोचे थे। चौधरी ने कहा कि अभी यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं और संगठन की स्थिति काफी मजबूत है, पार्टी पूरी तरह से उपचुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि हम अपनी रणनीति के साथ में मैदान में उतरेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि यूपी की जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। भूपेंद्र चौधरी ने नेम प्लेट विवाद पर भी विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नाम लिखने का अधिकार है लेकिन काफी लंबे टाइम से इसे लागू नहीं किया गया था। अब काफी बड़ी संख्या में लोग कांवड़ लेकर निकलते हैं और यह उनकी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। हालांकि हम कोर्ट के आदेश को भी बखूबी पालन करेंगे। बता दें कि नेम प्लेट विवाद में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर कर दिया है।